सब्सक्राइब कीजिए एडिश ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए चीजों को जानने के लिए। दोस्तों, आप एक मॉनिटर या फिर एलईडी टीवी को जरूर इस्तेमाल करते होंगे, आप उसके बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है रिफ्रेश रेट और फ्रेम रेट क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? इस वीडियो में मैं आप सभी को रिफ्रेश रेट और फ्रेम रेट्स के बारे में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो को आप जरूर पहले से लेकर एंड तक देखते रहिए। मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को एडिश ट्यूटोरियल्स में। आइए जानते हैं। दोस्तों, यहां पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिफ्रेश रेट और फ्रेम रेट में अंतर होता है। देखिए, अगर मैं आपको रिफ्रेश रेट के बारे में बताऊं तो एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो आप एलईडी टीवी में देख रहे हो क्या वो एक वीडियो होती है? देखिए, वो वीडियो नहीं होती, वो बेसिकली इमेजेस होती है। एक सेकेंड में बहुत सारी इमेजेस आपके सामने दिखाई जाती है, तो वो एक स्लाइड शो बन जाता है, आपको लगता है कि वो एक वीडियो है। तो आप किस तरह वो इमेजेस को देख सकते हो? आपका जो स्क्रीन होता है एलईडी टीवी में, वो बेसिकली क्या करता है, एक सेकंड में बहुत बार रिफ्रेश होता रहता है। जैसे आप कंप्यूटर में राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हो ना, तो आपका कंप्यूटर रिफ्रेश होता है, वैसे एलईडी स्क्रीन भी एक सेकंड में बहुत बार रिफ्रेश होता है। तो जितने बार वो रिफ्रेश होगा उतनी ही बार वो इमेजेस आपके सामने दिखाएगा, ठीक है? तो आप एक सेकंड में बहुत सारी इमेजेस वहां पे देखते हो, तो वो एक वीडियो की तरह बन जाता है। तो वो बेसिकली रिफ्रेश रेट वहां पे होता है। तो अगर मैं आपको पहले के टीवीज के बारे में बताऊं, तो वहां पे 60 हर्ज का फ्रेम रेट होता था, मतलब एक सेकंड में 60 बार आपका स्क्रीन रिफ्रेश होगा। अभी 120 हर्ज होता है, मतलब 120 बार आपका स्क्रीन जो है वो रिफ्रेश होता है। तो ये बेसिकली होता है रिफ्रेश रेट। अगर मैं आपको अभी समझाऊं फ्रेम रेट के बारे में, फ्रेम रेट बेसिकली डिपेंड करता है आपके सीपीयू और जीपीयू के ऊपर। अगर आप एक गेमिंग कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हो, तो आपके सीपीयू और जीपीयू फ्रेम्स को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एक सेकेंड में वो पिक्चर को वहां पर प्रोड्यूस करेंगे, फ्रेम को प्रोड्यूस करेंगे, और वो आपके सामने पिक्सल के जरिए दिखाएंगे वो चीज को, ठीक है? तो फ्रेम रेट डिपेंड करता है सीपीयू और जीपीयू के ऊपर, और रिफ्रेश रेट डिपेंड करता है आपके डिस्प्ले के ऊपर। तो टीवीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, नॉर्मली जब आप देखते हो कोई भी चैनल को, वहां पे लगभग रिफ्रेश रेट फ्रेम रेट सेम ही होता है, क्योंकि वहां पे और जीपीयू सीपीयू का इस्तेमाल होता नहीं है। लेकिन कंप्यूटर्स में जीपीयू और सीपीयू इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आपको अंतर ये देखने के लिए मिलेगा। तो रिफ्रेश रेट और फ्रेम रेट दोनों काम अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जब आप देखते हो दोनों को एक तरीके से देखते हो। अब एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप समझिए। यहां पे सपोज एक डिस्प्ले का, एक मॉनिटर का अगर रिफ्रेश रेट है 60 हर्ज, अब अगर वहां पे सोचिए कि फ्रेम रेट 120 फ्रेम्स पर सेकंड होगा वहां पे, तो क्या देखोगे आप वहां पे? 60 हर्ज का जब रिफ्रेश रेट आप देखते हो, 60 बार वो रिफ्रेश होता रहता है वो स्क्रीन, लेकिन आपके जीपीयू और सीपीयू प्रोड्यूस कर सकते हैं 120 फ्रेम्स पर सेकंड। तो वहां पे क्या होगा, आप सिर्फ 60 फ्रेम्स को ही देख सकते हो, बाकी के 60 फ्रेम्स आप नहीं देख सकते हो, क्योंकि रिफ्रेश रेट 60 है। तो वो जो रिफ्रेश रेट होता है उसको लिमिटेशन दे देता है कौन, फ्रेम रेट वहां पे। तो यहां पे आपको स्क्रीन टियरिंग देखने के लिए मिलता है। स्क्रीन टियरिंग का मतलब ये होता है कि एक मूवमेंट में आप डिस्प्ले में दो या दो से ज्यादा फ्रेम्स आप देख सकते हो वहां पे, यही स्क्रीन टियरिंग होता है। मतलब रिफ्रेश रेट कम होगा वहां पे, लेकिन फ्रेम्स बहुत ज्यादा होंगे वहां पे। तो कई बार फ्रेम रेट लिमिट कर देता है रिफ्रेश रेट को, एक कैप लगा देता है रिफ्रेश रेट में, और ये सिर्फ फ्रेम रेट के ऊपर ही नहीं डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है आपके ग्राफिक्स कार्ड पोर्ट के ऊपर। मतलब अगर आप HDMI 1.4 इस्तेमाल करते हो, तो वो आपके रिफ्रेश रेट को लिमिट कर देगा 60 हर्ज में। अगर आप डिस्प्ले पोर्ट 1.4 इस्तेमाल करते हो, वो आपको सेट कर देगा 120 हर्ज में। तो यही अंतर होता है रिफ्रेश रेट और फ्रेम रेट में। ये काम अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन जब भी आप स्क्रीन को देखते हो, आप दोनों चीजों को एक ही साथ देख सकते हो, लेकिन कई बार रिफ्रेश रेट को लिमिट कर देता है फ्रेम रेट। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है रिफ्रेश रेट और फ्रेम रेट को लेकर। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। मैं इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी वीडियोस लाता रहूंगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।